हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग जो है स्टॉक्स देखने वाले हैं, जो कि आपको मंडे के सेशन में कौन कौन से बेस्ट स्टॉक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम लोगों का लॉजिक होने वाला है और क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या हम लोगों का टारगेट होने वाला है। तो हम लोग एक एक चीज़ करके सारे चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे जो क्या आपको एंट्री पॉइंट कौन कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर नहीं करना है, और उसके साथ ही मैं कुछ एडवांस पॉइंट भी आपको जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को भी चीज़ें पता हो तो वो आगे आप लोगों को लर्निंग में भी काम आएगी और आगे से जो है आप उस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है मैं जो भी पॉइंट बताता हूँ, अगर आप लोग उसको नोट करते जाएंगे तो वो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है आपको BPCL। BPCL मैंने आपको डेली एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था, जो अगर BPCL आपको 475 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये आप देख लीजिए, जो 475 के ऊपर क्रॉस किया और उसके बाद ऑलमोस्ट आपको जो है 20 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। इस लेवल पे जो है मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, जो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पे बाइंग कीजिए। और यहाँ से देखिए जो है कितना अच्छा एक मोमेंटम हो चुका है, और अभी भी इसमें जो है एक आपको और मोमेंटम हो सकता है। तो हम लोग जो है इसको इंट्राडे के लिए देखेंगे। इंट्राडे के लिए हम लोग जो है इसमें एक पुलबैक जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा इसमें पुलबैक आने दीजिए। अगर इस लेवल पे आपको मिलता है 485, 486 या 487 के आसपास अगर मिलता है, और यहाँ पे अगर आपको अप ट्रेंड का साइन शो होता है तो हम लोग जो है यहाँ पर एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम लोगों का 4 रुपीज का होने वाला है। टारगेट जो है हम लोगों का जो है आप ये मान के चलिए, अगर यहाँ पर हम लोग को मिलता है तो जो है 7 to 8 रुपीज का इजी टारगेट मिलेगा यहाँ से। तो एक बार जो है छोटा सा पुलबैक लेने दीजिए, और फिर अगर अप ट्रेंड का साइन शो होता है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे आपको ले सकते हैं, तो ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ट्रेड इनिशिएट होगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से भी अपडेट ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस लेवल पर मिलता है 486, 487 के लेवल पे मिलता है तो आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। आपको जो है इंट्राडे में ही 6 to 8 रुपीज़ का इजी टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए दूसरा स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है गिरावट आ रहा है। ये जो है आपको 800 का लेवल 2 से 3 बार ऊपर जाने की कोशिश किया, 800 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, बट वहां पे आपको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर जो है आपको स्टॉक में एक अच्छा गिरावट हुआ है। यहां पे जो है मैं और आपको गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और 20 to 25 पॉइंट का यहां पे और गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग जो है इसको इंट्राडे में ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में कब ट्रेड करेंगे, यहाँ पे जो है मंडे के सेशन में एक बियरिश कैंडल बनने दीजिए, बहुत अच्छे जगह पे है। अगर 5 मिनट का एक बियरिश कैंडल यहाँ पे बनता है तो आप इमीडिएटली इसको शॉर्ट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 7 रुपीज़ का होने वाला है, उससे ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस जो है नहीं रखना है। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी जगह पर है, ये ऑलरेडी पुल बैक आपको ले चुका है, बस अब जो है आपको इसमें एंट्री देखना है, और जैसे ही एंट्री मिलता है तो आप लोग जो है यहाँ पर इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग जो है वहाँ से भी अपडेट ले लेना। अब चलिए हम लोग जो है तीसरा स्टॉक देखते हैं। तीसरा स्टॉक है आपको विप्रो। विप्रो में अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर में जो है एक गिरावट के बाद जो है एक आपको ये रिकवर करने का फिर से कोशिश कर रहा है। TCS और विप्रो ये दोनों जो है IT सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी भी हैं, अभी भी इसमें जो है वीकनेस नहीं दिख रहा है मुझे चार्ट पर, तो इस स्टॉक को जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए तो 656 के लेवल पे जो है आपको विप्रो स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे जो है ये आपको लास्ट 2 दिन से इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे जो है आपको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का जो है एक ट्रेंड लाइन टाइप का जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका जो है आपको ब्रेकआउट मंडे को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो इसका ब्रेकआउट आपको अपसाइड के लिए यहाँ पे मंडे को हो सकता है। तो हम लोग जो है एक बार वेट करेंगे। एक बार अगर आपको 5 मिनट का एक कैंडल जो है इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे इसको बाई करेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो आपको 5 रुपीज़ का होने वाला है, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ये वैलिड ब्रेकआउट होगा
तो फिर जो है आपको एक क्विक मोमेंटम मिलेगा 6 to 8 rupees का, जहाँ पे कि आप इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, ये मंडे को जो है आपको मॉर्निंग के सेशन में ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जो है इसको मंडे को मॉर्निंग में ही बाय कर सकते हैं। 5 rupees का स्टॉप लॉस रखना है, आपका जो है टारगेट 8 to 10 rupees का होगा। अब जो है इसके बाद एक और स्टॉक है आपको टाइटन। टाइटन तो मैं कंटिन्यू इस पे बुलिश हूँ। आप इससे पहले मैंने 2000 का टारगेट दिया था, टारगेट भी आज अचीव हो गया, उसके ऊपर जो है आपको टाइटन क्लोज हुआ है। इसमें भी जो है हम लोग इंट्राडे में एक अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आज भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया था, आज के लिए भी मैंने इसको दिया था। तो आज देखिए कितना अच्छा ये जो है आपको मोमेंटम किया, मॉर्निंग सेशन में ही ये आपको जो है एक अच्छा एंट्री दिया, और उसके बाद जो है आपको काफ़ी अच्छा जो है ये आपको मोमेंटम किया। इसमें जो है हम लोगों को एक बार और फिर से मौका मिल सकता है। ये जो है कुछ इस रेंज में अगर आपको मिलता है 2005, 2006 या 2007 या 2002-03 इस रेंज में, अगर 2010 टू 2000 के रेंज में अगर आप लोगों को कहीं भी मिलता है और वहां पे अगर स्टॉक आपको एक बुलिश साइन शो करता है, तो वहां पे जो है हम लोग एंट्री करेंगे। हम लोगों का स्टॉप लॉस जो है आपको ऑलमोस्ट 12 rupees का होने वाला है, 12 to 15 rupees का स्टॉप लॉस हम लोग रखने वाले हैं। जो होगा, जब स्टॉप लॉस अगर छोटा होगा तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा, और स्टॉप लॉस अगर बड़ा रखना होगा तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेट कर दूंगा। एक बार पुल बैक लेने दीजिए, पुल बैक लेने के बाद अगर यहाँ पे आपको अप ट्रेंड का साइन शो करता है तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे आपको एंट्री करेंगे। अगर पुल बैक नहीं लेता है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा होता है जो पुल बैक लेगा, क्योंकि इस लेग का अभी आपको जो है इम्पल्सिव लेग हुआ है, यहाँ पे आपको एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। पुल बैक लेगा ये इस लेवल पे जो है आपको काफ़ी देर तक, आज जो है आपको ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ट्रेड किया है पूरा दिन, लास्ट में आपको ब्रेकआउट दिया है। तो एक बार जो है मंडे के सेशन में यहाँ पे आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, उसके बाद जो अगर अप ट्रेंड का साइन शो करेगा तो हम लोग जो है यहाँ पे बाई करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस जो है मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा अगर यहाँ पे एंट्री मिलता है। अगर आप लोग ऐसे एंट्री मिलता है तो फिर आप लोग जो है 10 to 12 points का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे जो है इजी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि नीचे में 2000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और इस लेवल पे आज स्टॉक ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो ये लेवल जो है आपको एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इस लेवल के नीचे का जो है आप स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड कर सकते हो। और लास्ट एक स्टॉक है आपको बेल। इससे पहले बेल पे भी मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था और उस पर मैंने बोला था जो ये आपको जो है ब्रेकआउट देने के कगार पे है, और अब जो है ये ब्रेकआउट आपको दे चुका है। तो इसके जो है बड़े टारगेट के लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लेना। लेकिन इंट्राडे के लिए भी हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये 200 के लेवल के आसपास जो है आपको क्लोज हुआ है। यहाँ पे जो है आपको दो लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको दोनों लेवल क्लियरली बता देता हूँ। आप लोग जो है जैसा भी सिचुएशन होगा वो जो है आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको एंट्री मैं आपको अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा दोनों में से किसी भी लेवल पे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहला लेवल अगर आप इस लेवल पे देखेंगे तो 200 का एक साइकोलॉजिकल यहाँ पे ये लेवल है, ये आपको 199.5 पे क्लोज हुआ है। लास्ट के सेशन में यहाँ पे इसने जो है एक अच्छा आपको टाइम स्पेंड किया है, नीचे से आपको एक छोटा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। अगर ये आपको 200 के लेवल के ऊपर अगर आपको एक बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ पे जो है आपको 2 points के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर वो नीचे आएगा तो फिर वो जो है आपको इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए चला जाएगा, इस लेवल पे वो रिटेस्ट करने आ जाएगा। तो इसीलिए इससे 2 rupees से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर 200 के ऊपर आपको 5 minutes का बुलिश कैंडल क्लोज होता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है 2 rupees के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो है आपको 204-205 आपको इजीली इंट्राडे में मिल जाएगा। दूसरा एक आप कर सकते हैं, अगर ये आपको पुल बैक लेता है तो समराउंड इस लेवल पे अगर आपको मिलता है 197.5 या 198 के आसपास, और फिर अगर यहाँ पे आपको ये अपसाइड के लिए आपको साइन शो करता है तो फिर यहाँ पे भी आप जो है ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। ठीक ऐसे ही जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज भी जो है ये आपको ऊपर खुला जरूर, लेकिन उसके बाद जो है इसमें एक पुल बैक आया और पुल बैक के बाद जो है ये आपको अप ट्रेंड का साइन शो किया। ठीक इसी तरह अगर आपको ये ऊपर खुलता जरूर है, ऊपर खुल के अगर आपको एक पुल बैक देता है और पुल बैक
के बाद अगर अप ट्रेंड का साइन शो करता है तो यहाँ पे आप इसमें जो है ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे भी आप 2 रुपये का ही स्टॉप लॉस रखना, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस रखने का आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको जो है यहाँ पे भी 3 to 4 रुपीज का इजी टारगेट मिल जाएगा। तो दोनों में से कहीं पे भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो मैं आपको ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग को वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, एनालिसिस अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप का एनालिसिस वीडियो इस चैनल पर डालते रहते हैं। धन्यवाद।